फॉर्मूला पे उसी हिसाब से मैं आपको बताया था, कुछ फॉर्मूला था उसको भी आपके करके दो तीन एग्जाम्पल भी सोल्व कराया था। अभी इसमें हम लोग को क्या है, खाली क्वेश्चन नंबर फर्स्ट प्रैक्टिस सेट का 2.4 का हम लोग का क्वेश्चन फर्स्ट क्या है? बोला है कंपेयर द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन टू द जनरल फॉर्म एंड राइट वैल्यू ऑफ एबीसी। हम लोग को एबीसी निकालना, क्योंकि हम लोग को एक इसलिए क्वेश्चन में दिया, खाली हम लोग को एबीसी का वैल्यू फाइंड करना। अगर हम लोग को एबीसी वैल्यू आएगा तो ही हम लोग फॉर्मूला पे रखेंगे, और फॉर्मूला पे रखे तो हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कर पाएंगे। तो अभी देखो इसमें हम लोग को जनरल फॉर्म में कैसे, जो हम लोग का इक्वेशन दिया था उसको हम लोग को कंपेयर करना पड़ता है। आप डायरेक्ट कर सकते हो कंपेयरिंग, कंपेयरिंग क्या करना हम लोग को, कंपेयरिंग जो भी हम लोग का रहता है कंपेयर करेंगे। हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में डायरेक्ट लिख सकते हो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये हम लोग को क्या, इसमें हम लोग को क्या करना, कंपेयर करना। ए हम लोग का एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, इसमें ही हम लोग को कंपेयर करके ए बी सी का वैल्यू फाइंड करना है। तो आप कंपेयर करोगे तो आपको पता चल जाएगा किसके साथ कंपेयर करो, आपका जो क्वेश्चन है उसके साथ। तो आपका क्या वैल्यू आ जाएगा, ए का वैल्यू यहाँ पर कुछ नहीं तो लिख सकते हो, देयरफॉर ए इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और कॉमा में बी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, बी मीन्स इसके सामने वाला -7 एंड सी हमारा कितना आ जाएगा, सी के इज 5। बस हम लोग का क्वेश्चन कंप्लीट होगा। बस हम लोग को खाली क्या करना है, कंपेयर करना है जो भी हम लोग का स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ, और उसके जो हम लोग का क्वेश्चन रहेगा उसमें से एबीसी का वैल्यू। इसमें भी आप कर सकते हो, लिख देना खाली कंपेयरिंग, बट एक मिनट अभी देखो इसमें मैं डायरेक्ट बोला कंपेयरिंग, बट हमको क्या है कभी भी ऐसे इक्वेशन दिया था इसको हम लोग को पहले सिंपल सा क्लियर बनाना है। तो किस हिसाब से आप बनाओगे, देखो इसको लाओगे 2m स्क्वायर, इधर आएगा तो -5m और इस साइड आएगा +5 इक्वल टू 0। अब हम लोग का क्या हुआ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बाद हम लोग क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। कंपेयरिंग किससे करोगे, आप लोग को पता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इससे आप कंपेयर करोगे तो आपको देर पर डायरेक्ट पता चल जाएगा ए इक्वल टू कितना है 2, बी इक्वल टू कितना है -5 एंड सी इक्वल टू कितना है 5। ये हम लोग का क्या हुआ, निकल गया। और उसके बाद हम लोग का लास्ट वाला है, तो इसमें भी हम लोग को करना है। तो अभी वाई स्क्वायर है, इसको लाएंगे -7y, बट कुछ बना नहीं वैल्यू, तो इसके लिए हम लोग को सी भी चाहिए, तो +0 ले लेने का। ये हम लोग का हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, कंपेयर कर देंगे। कंपेयरिंग ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये हो गया। अब इसमें हम लोग को ए का वैल्यू क्या आ जाएगा, कुछ नहीं है, कोफिशियंट मीन्स 1। बी का वैल्यू कितना आ जाएगा, -7 एंड सी का वैल्यू कितना आ जाएगा, 0। ये हम लोग का क्या होगा, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। हम लोग का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में तीनों दिया, तो बस खाली हम लोग को कंपेयर करके लिखना था। आपको क्लियर मैं तीनों सॉल्व करके बता दिया। अभी इस हिसाब से हम लोग का क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, तो करता हूँ बट इसको भी रब कर देता हूँ। अभी देखो खाली हम लोग को कंपेयर करना, बट हम लोग को जितनी बार प्रैक्टिस करेंगे उतनी बार अच्छे से अच्छा हम लोग को रिवाइज होते रहेगा और हम भूलेंगे नहीं। अभी देखो हम लोग का क्वेश्चन सब एक ही जैसे है, बट आपको मैं सॉल्व करा देता हूँ। देखो सेकंड क्वेश्चन में हम लोग को क्या बोला है, क्वेश्चन सेकंड में सॉल्व यूजिंग फॉर्मूला। अब सॉल्व हम लोग को यूज करना है, फॉर्मूला यूज करके हम लोग को सॉल्व करना। फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग का क्या दिया है, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 इक्वल टू 0, ये दिया। अब इसको हम लोग को सॉल्व करना है। मैं आपको बताया सबसे पहले हम लोग को क्या करना रहता है, कंपेयर करना। अभी हम लोग का क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सबसे पहले हम लोग को क्या कर लेने का है, कंपेयर करना है। तो कंपेयर करोगे तो आपको क्या मिलेगा, कुछ मिलेगा ए बी सी का वैल्यू। तो आप कर दो, किससे करोगे, आपका जो दिया ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। देखो क्लियर, फटाफट आप करोगे तो आपको बहुत अच्छे से आ जाएगा। अभी इसके पहले आप कंपेयर करके निकाले तो आपको क्या मिलेगा, ए का वैल्यू कुछ मिलेगा कितना 1, बी का वैल्यू कितना मिलेगा 6
एंड हम लोग का सी का वैल्यू कितना आएगा, 5। तीनों आ गए, ए बी सी आ गया हम लोग का। इसके लिए आप लोग को एक अभी मैं सॉल्व कराया था, हम लोग को एक फॉर्मूला था, क्या था, इसके बाद हम लोग को निकालना बी स्क्वायर माइनस 4AC। इसके बाद हम लोग को जिसे कंपेयर करना, हम लोग को सॉल्व यूजिंग फॉर्मूला बोलेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने के लिए। सबसे पहले आप कंपेयर करोगे कौन से स्टैंडर्ड फॉर्म से इक्वेशन से, आपको कुछ मिलेगा, ए बी सी का वैल्यू फाइंड हो जाएगा, फिर बी स्क्वायर माइनस 4AC इसको लिख के सॉल्व करोगे। तो ये भी एक फॉर्मूला है, अभी करूंगा तो क्लियर समझ में आ जाएगा। तो इसको निकालो, बी मीन 6 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का वैल्यू 1 इंटू सी का वैल्यू 5। 6 6 जा 36, 4 1 जा 4 और 5 5 4 जा 20, कितना हो जाएगा 6, 3 में से 2 गया 1। आपको क्या आ गया, बी स्क्वायर माइनस 4AC कितना आ गया आपको 60 आ गया। अभी इसके बाद आप लोग का एक फॉर्मूला, मेन फॉर्मूला है, अभी हम लोग का निकल गया। अब हम लोग का मेन फॉर्मूला क्या है, तो मेन फॉर्मूला हम लोग को कौन सा वेरिएबल यूज हुआ आपके इक्वेशन में, x का, x इक्वल टू, अब हम लोग को क्या लिखना है, हम लोग को माइनस बी प्लस माइनस रूट में जो हम लोग का ये दिया था, क्या दिया था, बी स्क्वायर माइनस 4AC और पूरे के अपॉन में। और देखो बार बार कभी भी अपॉन जब लगाते हैं ना तो अपॉन के सामने इक्वल टू रहता है। अभी इसके बाद हम लोग का क्या हो जाता है, लास्ट में क्या लिखते हैं, 2a। ये हम लोग का क्या फॉर्मूला है, कभी भी यही हम लोग को फॉर्मूला यूजिंग करने के लिए बोला था, ये हम लोग का मेन क्या फॉर्मूला है इस चैप्टर में। तो अभी इसके बाद ये जो देखो हम लोग पार्ट निकाल लिए, तो बाकी जो नहीं निकाले तो उसकी जगह माइनस बी का वैल्यू हम लोग को कितना दी, 6 माइनस 6 हो जाएगा, प्लस माइनस रूट में हम लोग का कितना आ जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4AC 16। 2, ए का वैल्यू कितना 1 है, तो इनटू कर दोगे तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो इसके बाद हम अब यहाँ इक्वल टू x लिख रहे हो, अभी इसको देखो माइनस 6 प्लस माइनस, अभी रूट से बाहर आएगा तो क्या आ जाएगा 4, और ये कितना हो जाएगा 2, ये हमारा क्या होगा x हो गया। अब x होने के बाद अब हम लोग को क्या करना है, देखो एक बार प्लस है एक बार माइनस है तो दोनों के साथ करना पड़ेगा, तो लिखेंगे x इक्वल टू माइनस 6 प्लस 4 अपॉन 2 एक हो गया, और दूसरा वाला हम लोग को क्या करना पड़ेगा, x इक्वल टू माइनस 6 और माइनस 4 अपॉन 2। अब इसको सॉल्व करना है, तो अभी डायरेक्ट करो माइनस 6 और प्लस 4 करोगे माइनस 6 प्लस 4, तो कितना आ जाएगा माइनस प्लस माइनस, माइनस 2 आएगा अपॉन 2, क्या आ जाएगा माइनस 2 अपॉन 2। तो अभी इसको डायरेक्ट कैंसिल करोगे तो माइनस 1 लिख सकते हो, आप क्या कर सकते हो माइनस 1, माइनस 6 प्लस 4 कितना होगा माइनस प्लस माइनस माइनस 2, और माइनस 2 अपॉन में 2 है कैंसिल करोगे तो माइनस 1, देयरफॉर आप एक्स इक्वल टू क्या लिख सकते हो माइनस 1। एक आपका आ गया एक्स इक्वल टू माइनस 1, अब दूसरे वाले क्या करना, हम लोग को क्या दिया, दोनों माइनस 6 माइनस 4 इक्वल टू माइनस माइनस प्लस माइनस 10 अपॉन 2 से जब भाग दोगे तो हम लोग को 2 5 जा 10 मीन्स हम लोग का क्या आ जाएगा माइनस 5 आ जाएगा। तो यहाँ पर लिख सकता हूँ मैं एक्स इक्वल टू माइनस 5, ये हम लोग का क्या हुआ दूसरा इक्वेशन मिल गया। तो अभी आप लोग को मैं दोनों यहाँ पर ना करके डायरेक्ट किया तो आपको क्लियर समझ में आ गया रहेगा इसको कैसे किया और कितना आया। तो अभी ये एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको क्लियर समझ में आ गया रहेगा। ऐसे हम लोग का जो है सेकेंड क्वेश्चन भी है, तो आप लोग का क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्वेश्चन नंबर थर्ड सब सेम टू सेम ही है, बट मैं आप लोग को एक क्वेश्चन और करा देता हूँ। आप लोग का क्वेश्चन नंबर सेकंड कंप्लीट हो गया रहेगा, इसको रब कर दूं, अब क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो हम लोग का क्या दिया है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2 इक्वल टू 0, ये हम लोग का क्या क्वेश्चन है। अभी क्वेश्चन में आप सिंपल सा जिसे आप भी किए तो उसी हिसाब से भी करना है, तो सबसे पहले हम लोग को क्या करने का, कंपेयर करने का, कंपेयर करूंगा किससे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इससे हम लोग को कंपेयर करना है। कंपेयर कर लिए तो हम लोग को ए का वैल्यू कितना हो जाएगा 1, बी का वैल्यू माइनस 3 एंड सी का वैल्यू हम लोग को कितना माइनस 2 आ गया फाइंड होगा। ए बी सी का वैल्यू फाइंड होने के बाद अब हमको क्या करना है, तो आपको पता है आपको एक फॉर्मूला है कौन सा, बी स्क्वायर 4AC, अब बी स्क्वायर माइनस 4AC है, तो
अब बी का वैल्यू कितना, -3 -4 इंटू ए का वैल्यू 1 इंटू बी का -2, माइनस माइनस प्लस, 3 3 जा 9, ए माइनस डायरेक्ट प्लस, 4 2 जा 8, क्योंकि 1 का करोगे तो इतना आएगा, और 8 और 9 कितना होगा 17, कितना हो जाएगा 17, आपका आ गया क्या आ गया b² - 4ac, आपको क्लियर 70 आ गया। अभी इतना करने के बाद आपका b² - 4ac = 17 आ गया। तो अभी इसके बाद हम लोग का जो मेन फॉर्मूला है उसमें हम लोग रखेंगे। मेन फॉर्मूला के लिए सबसे पहले हम लोग को क्या करना पड़ता है, कौन सा वेरिएबल यूज हुआ, x x यूज हुआ। उसके बाद हम लोग को क्या करना है, अभी जो टर्म्स हम लोग का सबसे पहले -b प्लस माइनस रूट में b² - 4ac अपॉन हम लोग को 2a, ये हमारा क्या फॉर्मूला है आपको याद रहना चाहिए। इतना करने के बाद अभी देखो -b का वैल्यू कितना है, -3, माइनस और ए माइनस मिलकर डायरेक्ट मैं 3 लिख सकता हूँ, इतना तो क्लियर आपको आएगा, क्योंकि ए माइनस है और ए माइनस है, दोनों क्या होगा प्लस में हो जाएगा, हो गया। अब उसके बाद प्लस माइनस, अब रूट में हम लोग का कितना आ जाएगा, क्योंकि 17 दिया है तो मीन्स हम लोग का रूट में कितना आ जाएगा, 17 आ जाएगा। हुआ 2 है, 1 से इंटू करोगे तो नॉर्मल सा कितना आएगा, 2 आएगा। तो आपको देखो अभी बार बार कॉन्सेप्ट 10th क्लास में, इतना बेसिक तो आपको पता ही होना चाहिए। इतना होने के बाद आपको जब आ गया कुछ ना, तो इसमें से बाहर निकल रहा है, कुछ नहीं निकल रहा, तो आप क्या कर सकते हो, क्लियर इतना ही हम लोग को लिखना पड़ सकता है। तो हम लोग को कुछ अभी इसका ऐसा कोई भी दो फैक्टर करो निकालो तो नहीं होगा, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इस पे स्टॉप करके और आगे का जो अलग ले लेंगे। x इक्वल टू हम लोग क्या कर लेंगे, 3 - √17/2 एक बार ले लेंगे, और दूसरी बार क्या ले लेंगे, क्या ले लेंगे, 3, अभी माइनस लिए थे तो प्लस ले लेंगे, √17/2। आपका क्वेश्चन यहीं पर कंप्लीट हो जाएगा, इसके आगे हम लोग कुछ नहीं कर सकते। मीन्स हम लोग का क्या किया, एक बार माइनस में अलग कर दे, एक बार प्लस में, सिंपल से हम लोग का क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। आई होप आपको समझ में आ रहेगा। इसके बाद का भी जो भी क्वेश्चन है आप लोग खुद से प्रैक्टिस करो, और बाकी जो भी रहेगा नेक्स्ट लेक्चर में मैं बताऊंगा। इस लेक्चर में इतना ही, बस इसको आप लोग क्या करते रहो, प्रैक्टिस करते रहो। आज के लिए इतना ही कर लो अभी।